चीनी बड़े काम की होती है ये चीनी जुबान में मिठास लाती है लेकिन क्या चीनी का काम सिर्फ मीठा करना ही होता है ऐसा बिल्कुल नहीं है आज मैं आपको चीनी के एक से बढ़कर एक अचूक उपाय बताऊंगी आपके रुपए पैसे की समस्या से लेकर घर की कला सब कुछ चीनी के उपाय से सुलझ सकते हैं यही नहीं आपको चीनी से सुंदर बनाने का वो तरीका बताया जाएगा जिससे आप अपने घर में आजमा भी सकते हैं और आज आपको साड़ी पहनने के दौरान उन गलतियों के बारे में बताया जाएगा जिनको आप यूजुअली करते हैं। अक्सर आपको पता भी नहीं चलता वो गलतियां सुधारी जाएंगी चाय में चीनी कम हो जाए तो कहाँ चलता है फिर लाइफ में चीनी यानी कि मिठास कम नहीं होनी चाहिए आपकी जिंदगी में पैसे की कमी ना हो बेटी ससुराल में खुश रहे घर में लड़ाई झगड़ा ना हो मिठास अपने आप बनी रहेगी तो चलिए आपको कुछ चीनी और मिठास से जुड़े ऐसे उपाय बता देती हूँ जो जिंदगी में रंग भर देंगे घर में बरकत बनी रहे इसके लिए पीपल के पेड़ की छाया में खड़े रहकर लोहे के बर्तन में जल चीनी घी और दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में डालने से घर में लंबे समय तक सुख समृद्धि रहती है माँ लक्ष्मी का वास होता है अगर घर में किसी की तबीयत लगातार खराब रह रही है आप डॉक्टर से अच्छे से ट्रीटमेंट करवाइये उसमें कहीं कोई केयरलेसनेस नहीं होनी चाहिए इस चीज का ध्यान रखें लेकिन साथ में ये उपाय कर सकते हैं संडे या थर्सडे को चीनी दूध चावल और पेठा अपनी इच्छा अनुसार लें उसे बीमार इंसान के सिर पर वार कर किसी भी धार्मिक स्थान पर जहां पर लंगर बनता हो दान कर दें फायदा जी हाँ बहुत फायदा होगा शहद चीनी दूरवा गुरुच और धान के लावा से हवन करने से भी कई तरीके की बीमारियों से राहत मिलती है लेकिन फिर कह रही हूं सबसे जरूरी है डॉक्टरी इलाज डॉक्टर के ट्रीटमेंट में कहीं कोई कमी नहीं छोड़िएगा अगर आपके पति आपके सिवा किसी और लेडी पर फिदा हो गए हैं तो आपको चीनी से जुड़े एक अचूक उपाय को करना है दिन का शुभ मुहूर्त जो भी होगा उसमें एक मंत्र नोट कर लीजिए ओम नमो महायक्षिण मम पति मेवश्य कुरु कुरु स्वाहा इसकी दस माला का जाप करें फिर हवन तर्पण मार्जन करने से यह मंत्र सिद्ध हो जाता है इसके बाद किसी भी मिठाई को इस मंत्र से सात बार अभिमंत्रित कर पति के सिर से उसार कर पानी में बहा दे बल्कि पानी को पोल्यूट ना करें पास में रख दें किसी के काम तो आए ऐसे में उनका दूसरी औरतों के प्रति आकर्षण खत्म होगा